16 में बैरियर बढ़ा, 16 में ई रिक्शा वाले से पैसा लेना लोगों ने शुरू किया, तो 16 में हम मेयर थे। ये जो आज एनजीओ को दिया गया ना टैक्स के लिए, ये 2018 में, तो 2018 में हम मेयर तक बात है। तो डस्टबिन के लिए बोर्ड की बैठक हुई। बुडको जो है वो बिहार सरकार का एक उपक्रम है, नगर विकास के प्रथम अति पत्र पे बुडको ने निर्णय लिया जो आप हमसे खरीदारी कीजिए। बुडको के द्वारा खरीदारी की गई, और जब खरीदारी बुडको के दिया गया तो बिहार सरकार ने दोषी है, वो क्या भेजा नहीं भेजा वो हम अपने घर से भेजे, रतनपुर से वो डस्टबिन गया। बिहार सरकार का उपक्रम है, उन्हीं के निर्णय पे वो डस्टबिन आया। अगर गलत आया तो जिनके कार्यकाल में आया वो लौटा देते, नहीं लेते। इसमें हम आपत्ति करने के लिए कोबार गीत का बोल है जो बोलो इतने दिन तुम क्या किया, तो हीरो कहता है तेरा नाम लिया तुझे याद किया। 7 साल तक ये लोग बस संजय 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 करते रहे, अब पिंकी पिंकी करना शुरू कर दिए, तो बस इनका यही काम है। बेगूसराय नगर निगम चुनाव का आज नामांकन का अंतिम दिन था, आज से तक में 19 मेयर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करवाया है। हमारे साथ बेगूसराय के पूर्व महापौर संजय कुमार जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्षेत्र में आप भी उतरे हैं, सर कैसा जन समर्थन मिला है सबसे? क्षेत्र में तो अभी जो प्रत्याशी आए हैं वो उतरे हैं, मैं तो 12 साल से नगर निगम में तपस्या किया। बहुत सारे लोग हैं जब एमएलए का चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें भी आ जाएंगे, फिर जब सांसद का चुनाव होगा तो उसमें वो प्रतिभागी बनेंगे। मैं तो 2011 से जिस तरह अर्जुन को पूछा गया जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोग जो भी कहे, लेकिन अर्जुन ने कहा जो मुझे मछली की आँख की पुतली दिखाई दे रहा है, उसी तरह मुझे सिर्फ नगर निगम का मैंने सेवा किया है। और मैं 2011 से 2022 का समय है, और ये 12 साल में कभी भी ना आप मेरा नाम कोई विधानसभा में देखे होंगे, ना कोई लोकसभा में, ना कभी विधान परिषद में, मैं कहीं भी नहीं गया। मैं एक सेवा का व्रत लिया और 2011 से लगातार नगर निगम की जनता का सेवा कर रहा हूँ। कुछ लोग अब सेवा करने के लिए जब उनको चुनाव आया ना तो क्षेत्र में आए, मैं तो क्षेत्र में था ही। अब जहाँ आप लगातार आपसे भी मुलाकातें होती रही है, चाहे वो अग्निपीड़ित परिवार से हो, चाहे वो बाढ़ पीड़ित परिवार से हो, कहीं घटना हुआ कहीं दुर्घटना हुआ, क्षेत्र में तो आना जाना हमें लगा रहता था। आपने भी अपनी प्रत्याशी को उतारा है, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी हैं लगातार कह रहे हैं कि जो है ये जितनी भी घटना हो रही है नगर निगम क्षेत्र में, जितनी हुई है, मतलब चाहे रिक्शा चालक के लिए बैरियर की वसूली बढ़ाना हो या अन्य भी टैक्स सारा चीज जो संजय सिंह के कार्यकाल में हुआ है, चाहे वो डस्टबिन घोटाला हो, लाइट घोटाला हो, इस तरह से संजय सिंह के कार्यकाल में हुआ है और फिर से उनको मेयर चुनने नहीं चुनना है लोगों। देखिए जो भी लोग आएंगे उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, कोई कुछ काम किए नहीं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? आरोप तो हम पे लगाएंगे। अब 2016 में बैरियर ई रिक्शा वाला 2000 अभी हमको लिख के दिया है जो आप थे तो मेरा जीवन स्वर्ग था, इन लोगों ने मेरा जीवन नरक बना दिया है, उनका हस्तलिखित मेरे पास पत्र है। अब को लोग कहते हैं 16 में बैरियर बढ़ा, 16 में ई रिक्शा वाले से पैसा लेना लोगों ने शुरू किया, तो 16 में हम मेयर थे। हम 30/1/16 को मेरा कार्यकाल खत्म, मार्च में जो आए 19 मार्च को उन्होंने लिया है, और आप जिस दिन एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और सारी बात आपके सामने रखेंगे, कोई भी बात मौखिक थोड़े होता है, सब बात लिखित है। 2018 में ये जो आज एनजीओ को दिया गया ना टैक्स के लिए, ये 2018 में, तो 2018 में हम मेयर थे। अब कुछ तो को लोग कहेंगे उनका काम है कल कर लिए, कहते नहीं किए। अब डस्टबिन की जहाँ तक बात है तो डस्टबिन के लिए बोर्ड की बैठक हुई। बुडको जो है वो बिहार सरकार का एक उपक्रम है, नगर विकास के प्रथम अति पत्र पे बुडको ने निर्णय लिया जो आप हमसे खरीदारी कीजिए। बुडको के द्वारा खरीदारी की गई, और जब खरीदारी बुडको के दिया गया तो बिहार सरकार ने दोषी है, वो क्या भेजा नहीं भेजा वो हम अपने घर से भेजे, रतनपुर से वो डस्टबिन गया है। हाँ, रतनपुर से अगर वो डस्टबिन जाता तो हम दोषी थे, बिहार सरकार खुद भेजी है। अगर कोई गलती किया, अब कुछ लोग कहेंगे हम ठीक है, आज रोशन कुशवाहा जी को डीएम बनाया गया, अब उनको लगेगा जो भाई इनको डीएम क्यों बनाया गया, दूसरे को तो बिहार सरकार जिसको बनाएगी वही ना डीएम बनेंगे, हम बन जाएंगे, आप बन जाइएगा। तो बिहार सरकार बुडको जो है बिहार सरकार का उपक्रम है, उन्हीं के निर्णय पे वो डस्टबिन आया। अगर गलत आया तो जिनके कार्यकाल में आया वो लौटा देते, नहीं लेते।
इसमें हम आपत्ति करने के लिए कोबार गए, तो कुछ लोग अपना अनाप शनाप बोलते हैं, 7 साल से यही बोले। एक गीत का बोल है जो बोलो इतने दिन तुम क्या किया, तो हीरो कहता है तेरा नाम लिया तुझे याद किया। 7 साल तक ये लोग बस संजय 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 करते रहे, अब पिंकी पिंकी करना शुरू कर दिए, तो बस इनका यही काम है। कहा जाता है कि पिंकी देवी घरेलू महिला है और अब वो राजनीति में आ रही है, कैसा काम करेगी, क्या रिमोट कंट्रोल रहेगी? एक्सपीरियंस अगर हम इससे ज्यादा किन्हीं के पास है वो दे देंगे, हम अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। अगर पिंकी देवी से ज्यादा किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है, अब कोई कर रहे हैं हम विधानसभा में लोकसभा का सेवा किए, अगर दवाई दुकान का लाइसेंस के लिए आप जाइएगा तो आपको दवाई दुकान का एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको हवाई जहाज चलाने का एक्सपीरियंस है तो उसे दवाई दुकान चलाने से क्या मतलब है? जिस चीज में आप हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको पत्रकारिता का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको उसमें आईएएस की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, और आईएएस जिनको बनना है उनको पत्रकारिता की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 7 साल जो लोगों ने जो अपना प्यार आशीर्वाद दिया 2016 में, अगर इनसे ज्यादा किन्हीं महिला प्रत्याशी को एक्सपीरियंस है, पिंकी देवी वापस, पिंकी देवी के द्वारा जितना मांग रखा गया है अगर उस मांग को हम आपके सामने रखेंगे और पिंकी देवी के द्वारा जो काम किया गया वार्ड में उस काम को हम रखेंगे, अगर इससे ज्यादा कोई काम किया है तभी पिंकी देवी वापस। पिंकी देवी घरेलू महिला कैसे हुई, जो भिक्षा टन करके लोगों का सेवा की वो घरेलू महिला हो गई, और जो घर बैठ के मौज करते रहे वो राजनीतिक महिला हो गए। बारे कहने वाले जिन्होंने अपना आंचल फैलाया और आंचल अपने परिवार के लिए नहीं फैलाया, उन परिवार के लिए फैलाया जिन परिवार को कोरोना काल में जरूरत था, जिन परिवार को बाढ़ पीड़ित के समय जरूरत था, जिन परिवार के लिए अग्नि पीड़ितों को जरूरत था, उसके लिए पिंकी देवी ने अपना आंचल फैलाया और सभी लोगों ने देखा, मीडिया के लोगों ने दिखाया। अब उनको नहीं नजर आता है, कल तक जो हमको अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं अब वो कह रहे हैं जी गलत लोग हो गया। अब पता नहीं चलता है वो गलत का कहाँ से वो बनता है और बिगड़ता है। कल तक जो हमसे आशीर्वाद लेते थे वो भी कह रहे हैं जी नहीं अच्छा काम नहीं किए, कल तक जो हमारे कार्य को सराहा करते थे वो भी अब कहते हैं अच्छा काम नहीं किए। तो ये सब तो चलते रहेगा, राजनीति में चलता है, इस पे मुझे कोई टिका टिप्पणी नहीं है। सारी आवाम आप देख रहे हैं जो यहाँ आई हुई है, और सारी आवाम आशीर्वाद देने के लिए पिंकी देवी को आतुर है। तो बस यही कहना है, जो आप लोग का रहेगा साथ, पिंकी देवी का मजबूत होगा हाथ। एक छोटा सवाल है, आप हमारे जनता चैनल के माध्यम से अपने मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाता से अपील करना चाहें, आप एक सेवक चुनिए जो आपका सेवा किया है, बाकी मेयर चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेयर जब चुनिएगा तो थोड़े आपसे मिलेंगे, सेवक चुनिए आपका सेवा करेंगे, और पिंकी देवी लगातार 7 सालों से आपका सेवा कर रही है और आगे भी। उसके पति पिंकी देवी का पति मैं संजय कुमार गारंटी लेता हूँ, जिस तरह मुझे काम करने का मौका मिला था, मैं 2.5 साल सड़कों पे आपको मिला, उसी तरह पिंकी देवी भी लोगों को सड़कों पे मिलेगी, बंद कमरों में नहीं मिलेगी।